सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन द न्यू वीडियो गाइज। सो गाइज, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बंदे को जा रहे हो उसको डिले प्रॉब्लम, जा रहे हो उसको ऑटो टिल्ट प्रॉब्लम, या फिर बहुत सारे जायरो के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है आपको गेम के अंदर। बट गाइज, मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा भाई 100% सॉल्व करने वाला हूँ। अगर सॉल्व नहीं हुआ ना तो चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर चले जाना, क्योंकि भाई मुझे खुद पर बहुत भरोसा है। जैसे कि आप लोग पता होगा, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसपे भाई बहुत सारे बंदे 99% बंदों का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था पूरा, जो कि आप कॉमेंट देख तो यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। और गाइज, मुझे पता है कि वीडियो हल्का डिले हुआ उसके लिए दिल से सॉरी गाइस, क्योंकि मैं आप लोग के लिए एक इफेक्टिव ट्रिक निकालना चाह रहा था ताकि आपका जो जायरो वाला प्रॉब्लम पूरा का पूरा मतलब बिल्कुल 100% फिक्स हो जाए यहाँ पे। सो फाइनली गाइस, वीडियो आ चुकी है जिसमें आपका जितने भी जायरो प्रॉब्लम है, ए टू जेड जितने प्रॉब्लम है, सब कुछ यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो जरूर से एक लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलो वीडियो को बिना कोई देर के स्टार्ट करते भी। और गाइस हाँ, और एक चीज, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, ऐसा नहीं वीडियो को आप स्किप करना होगा, आप स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना, तभी जाकर आपका प्रॉब्लम बिल्कुल 100% फिक्स हो जाएगा। और गाइस, ये जो वीडियो ऑल डिवाइस के लिए वर्केबल है, चाहे आपका कोई सा भी डिवाइस हो, सब में ये वर्क करेगा भाई, पूरा पूरा मक्खन की तरह जायरो चलेगा यहाँ पे। सो गाइस, सबसे पहले हम सेटिंग्स में आते हैं। यहाँ पे आने वाले जो हमारे जायरो है उसको ऑलवेज ऑन पे करते हैं। और यहाँ पे आप देखो गाइस, ये वाला प्रॉब्लम क्या आपको भी फेस करना पड़ता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे मेरा जायरो ऑटोमेटिक नीचे साइड डाउन टिल्ट हो रहा है, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक घूम रहा है, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, फोन को यहाँ पर रख दिया हूँ, फिर भी ये जो जायरो है मेरा ऑटोमेटिक टिल्ट कर रहा है यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे बंदों को देखने मिल रहा है मुझे पता है ये चीज। और इसके अलावा आपको एक जायरो डिले प्रॉब्लम देखने मिलता होगा, जब भी आप स्कोपिंग करते हो तो अगर आप लेफ्ट साइड करते हो अपना स्कोप को, तो हल्का 0.5 सेकंड बोल लो चाहे जो भी बोल लो, वहां पे आपको हल्का डिले देखने मिलता है। या फिर राइट करो फिर भी आपको डिले मिलेगा, या फिर अगर आप स्कोपिंग नहीं भी करते हो फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा जायरो हल्का डिले है 0.5 सेकंड, या फिर कुछ भी। तो ये जो जितने प्रॉब्लम है मैं आपको इस वीडियो में सबको सॉल्व करने वाला हूं। और इसके अलावा भी आपका अगर जायरो काम नहीं कर रहा है, या फिर आपका टीडीएम में ग्लिच होता है, जायरो रिवर्स काम कर रहा है, मतलब समझ लो कि जितने भी जायरो के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, ए टू जेड सब प्रॉब्लम मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं गाइस। सो गाइस, यहां पे सबसे पहला जो स्टेप है करना क्या, आपको आना अपने फोन के सेटिंग्स में, जो आपका इनबिल्ट सेटिंग होता है उसके अंदर। और गाइस, ये सेटिंग अगर आपके फोन में शो नहीं कर रहा है, अगर आपका कोई अदर डिवाइस हो तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, आप वीडियो को पूरा देखो आपको समझ में आ जाएगा करना क्या आपको, यहाँ पे आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आने में आपको एवर्ड फोन में आना है। अबाउट फोन में आने बाद यहाँ पे आप नीचे में जो ऑल स्पेसेस दिख रहा हो आपको, सिंपली आपको उस पर टैप करना है यहाँ पे, ठीक है, स्पेल टैप करना है। और स्पेल टैप करने के बाद आपको हल्का नीचे स्क्रॉल करना है, आपका जो यहाँ पे वर्जन होगा यहाँ पे, आप देखो मेरे यहाँ पे कर्नल वर्जन है, सिंपली आपको उस पर 3-4 बार टैप करना है। 3-4 बार आप टैप करोगे तो आपका यहाँ पे CIT है वो लॉन्च हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे दो तरीके से आप CIT को लॉन्च कर सकते हो। अगर आपका सेटिंग्स में शो नहीं कर रहा है तो आपको फोन के डायल पैड पे आना, वहाँ पे एक कोड दिखना है जो कि आपको नीचे दिख रहा होगा, तो इस कोड के थ्रू भी आप अपने CIT को डायरेक्ट लॉन्च। तो ये मेरा Redmi Note 7 Pro है जिसमें ये कोड वर्क कर रहा है, किसी डिवाइस में ये कोड वर्क नहीं करता गाइस, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे सेम टू सेम यही इंटरफेस इस पे भी आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम करते हैं आगे वाला स्टेप, करना क्या आपको, तो आपको इसके अंदर आना, CIT का मतलब FQC टेस्ट होता है ये, ठीक है, इसके अंदर आपको आना है। और यहां पे आप दोस्तों हल्का आपको नीचे स्क्रॉल करना है, इधर आपको 24 नंबर पे आपको दोस्तों जायरोस्कोप का एक सेटिंग दिखने मिल रहा है, उस पर सिंपली आपको टैप करना है। इधर आप देखना यहां पे आपको कुछ कोड दिख रहे होंगे जो कि फ्लैक्चर्ड हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये कोड इसीलिए फ्लैक्चर्ड हो रहा है क्योंकि मेरा जो फोन है वो हिल रहा है यहां पे, ठीक है, हल्का फुल्का, जैसे जायरोस्कोप मान लो वो चीज है, सो इसीलिए हमारा जो कोड है वो भी छोड़ो रहा है यहाँ पे। तो गाइस, करना कि आपको यहाँ पे आपको एक फ्लैट सरफेस, जैसे कि टेबल हो गया या फिर जमीन हो गया, उस पर आपको अपना फोन को रख देना है। फोन को फ्लैट सरफेस पे रखते ही आपका जो कोड है वो फ्लैट छोड़ना बंद हो जाएगा, और जब भी आपका फ्लैट छोड़ना बंद हो जाएगा, 0-0 पे आ जाएगा, तभी आपको कैलिब्रेशन पे क्लिक करके ओके कर देना है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा यहाँ पे एक्सीलेटर आएगा, तो इसका भी सेम प्रोसेस वैसे करके आप ओके कर देना। उसके बाद यहाँ पे मैग्नेटिक सेंसर वगैरह आएगा, तो अगर आपको करना होगा तो आप ये भी कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपको बैक आना और अपना जो फोन है उसको यहाँ पर रिस्टार्ट करना है। सो गाइस, ये वाला जो स्टेप था, ये अगर आपके फोन में शो नहीं कर रहा आपके सेटिंग के अंदर, तो करना क्या, आपको प्ले स्टोर पे आना है, यहाँ पे आपको सर्च करना जायरोस्कोप कैलिब्रेशन, सर्च करना आपको यहाँ पे, आप जब भी जायरोस्कोप कैलिब्रेशन सर्च करोगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, मतलब ये वाला जो ऐप है आ जाएगा, इसको सिंपली आपको इंस्टॉल करना। जैसे यहाँ पे एक्सेलेरेटर कैलिब्रेशन करके होगा, आप जायरोस्कोप कैलिब्रेशन लिखोगे तो आपका ये खुद ब खुद ये वाला ऐप आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो ऐप इंस्टॉल हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ऐप होगा इसका नाम है वायरलेस IMU करके होगा, तो इसको भी आपको इंस्टॉल करना गाइस, ये चीज आप ध्यान रखना, मैं जो कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप को वही करना है यहाँ पे, ठीक है। और गाइस, जिस बंदे ने पहला स्टेप किया था उसको भी ये सब करना है, ठीक है, तीनों ऐप को इंस्टॉल करना ही करना है, तीन ऐप बताऊंगा आपको, ठीक है। तो दो ऐप हो गया, अभी तीसरा ऐप जो यहाँ पे हाइपर IMU करके होगा, ठीक है, देखो यहाँ पे हाइपर IMU करके होगा,
तो ये ऐप को भी आप इंस्टॉल करना, तीन ही ऐप आपको इंस्टॉल करना जो कि बहुत ही कम एमबी की है, मतलब केबी की है, एमबी बोलो ही मत यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप इंस्टॉल करना इसको, इससे आपका फ़ोन का स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं जाएगा और भाई कोई फ़ोन को नुकसान भी नहीं पहुँचेगा यहाँ पे, ठीक है, समझ लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा तीनों ऐप इंस्टॉल हो चुका फाइनली। और अभी गाइस यहाँ पे जो सबसे पहला वाला ऐप है एक्सेलेरेटर, यहाँ पे कलेक्शन होगा, उसको सिंपली आपको ओपन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक रेड कलर का पॉइंटर होगा जो कि इधर उधर मूव कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरा जो फ़ोन है इधर उधर हिल रहा है अभी, ठीक है, तो इसकी वजह से ये मूव कर रहा है। तो करना कि आपको सेम स्टेप फॉलो करना, आपको क्या करना है एक फ्लैट सरफेस पर रख देना फ़ोन को, ताकि जो आपका पॉइंटर वो बीच में आ जाए, मिडल में आ जाए। जब भी मिडल में आएगा तभी आपको यहाँ पे दोस्तों नीचे में लिख रहा होगा कैलिब्रेट करके, तो उस पर सिंपली आपको टैप कर देना। तो यहाँ पे हमारा कैलिब्रेट होने स्टार्ट हो गया और नीचे में लिख के आ गया चेंज डिले मोड, मतलब आपका जो डिले वाला प्रॉब्लम था वो फिक्स हो गया। यहाँ पे अभी पूरा फिक्स नहीं हुआ, आपको पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको इस वाला आपको बैकग्राउंड रनिंग पर रहने देना, मतलब इसको आपको लॉक कर देना है। आप लोग में से किसी को अगर लॉक करना नहीं आता तो क्या करना है, सिंपली आपको टैप कर रखना है और बगल में लॉक का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से लॉक कर देना आप, ठीक है, या फिर अपना डिवाइस का आप यूट्यूब में जाकर देख लेना, वहाँ मिल जाए आपको। बाकी यहाँ पे जो हमारा सेकंड वाला स्टेप है करना कि आपको यहाँ पे वायरलेस IMU को ओपन करना है, और इधर आने के बाद सबसे ऊपर में आप दोस्तों टारगेट IP पोर्ट लिखा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्लिक करके 5555 लिखा होगा, तो उसको हटा के यहाँ पर 999 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे में दिख रहा होगा अपडेट रेट, उस पर सिंपली आपको टैप करके यहाँ पे फास्टेस्ट पे कर लेना, स्लो पर रहेगा फास्टेस्ट पे कर लेना आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको नीचे में रन इन बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। ये करने के बाद ऊपर में आपको ऑफ रहेगा, उसको सिंपली आपको ऑन पे क्लिक कर देना, आपका जो ये वाला ऐप है वो ऑन हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको भी आपको बैकग्राउंड में लॉक करना, लॉक करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ गाइज, क्योंकि अगर आप इसको हटा दोगे तो आपका जो ऐप है काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो अगर आपको लॉक करना नहीं आता तो आपको सिंपली मिनिमाइज करना, और जिस वाला आपको लॉक करना है उस पर सिंपली आपको टैप करना है, और बगल में आपको लॉक का ऑप्शन दिख रहेगा तो वहां से आपको लॉक करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे दो जो हमारा ऐप है वो लॉक हो चुका है, अभी जो हमारा थर्ड वाला ऐप है उसको सिंपली ओपन करना है। और गाइस ये वाला जो ऐप है ये भाई मेन रोल प्ले करता है जायरोस्कोप को, मतलब रोटेट करने में या फिर मतलब डिले वाला प्रॉब्लम में, ठीक है। तो इसको आपको ओपन करना है, यहाँ पे जितना भी एग्री वगैरह बोलेगा आपको सिंपली एग्री कर देना है। उसके बाद ऊपर आपको लेफ्ट में 3 डॉट दिख रहा होगा, सिंपली आपको उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स दिख रहा होगा, सेटिंग्स जाना, यहाँ पे अलाउ वगैरह बोलेगा आपको तो अलाउ कर देना आपको यहाँ पे। उसके बाद अगर नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे स्टे अवेक बोल रहा होगा, ठीक है, तो इसको आप स्टे अवेक पर क्लिक करके हल्का बैक आ जाना। बैक आने के बाद गाइस यहाँ पे करना कि आपको वहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा हो साइन, ठीक है, ग्रीन पे क्लिक करना आपको, और यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं सबको आपको ऑन कर लेना, जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ऑन करने का ऑप्शन सबको आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हल्का सा ऑन कर लेना सबको, ठीक है, कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए यहाँ पे, सबको ऑन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑन कर लेते पहले इसको, तो यहाँ पे सो हमारा जो भी चीज़ सबको यहाँ पे ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद क्या करना है आपको, इसको सेव करना है। सेव करने के लिए ऊपर में आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो वहाँ पे क्लिक करके इसका कोई भी नाम देख देना है यहाँ पे, जो आपका मन करे आपका नाम है, आप किसी का नाम रख देना है यहाँ पे। तो मैं अपना चैनल का नाम रखता हूँ यहाँ पे मिस्टर अंकित वाइट रख देता हूँ यहाँ पे। तो ये करने के बाद आपको करना है कि यहाँ पे सेव कर देना। जब भी आप सेव करोगे तो आपको टॉप राइट कॉर्नर में देखो एक फाइल दिख रहा होगा, सिंपली आपको उस पर टैप करना है, उधर आपको ये वाला फाइल देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको बैक आना और राइट के सबसे नीचे में देखो आपको सेव का ऑप्शन आ रहा होगा, तो वहाँ पर सिंपली करके आपको सेव करना, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा हूँ प्रेस टू स्टार्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, तो सिंपली इस पर टैप करके आपका जो फाइल है उसको स्टार्ट करना। और गाइस हमें फाइल में हमारा हाइपर में स्टार्ट हो चुका है और आपका बैकग्राउंड में रन करना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी क्या करना आपको यहाँ पे बैक आना है, और बैक आने के बाद गाइस आपका जो ये जो ऐप है इसको भी यहाँ पे सिंपली लॉक कर देना है। तो यहाँ पर आप जो हमारा तीनों का तीनों ऐप वो लॉक हो चुका फाइनली यहाँ पे। और किसी बंदे के मन में अगर डाउट आ रहा होगा कि क्या हम BGMI खेलते टाइम तीनों ऐप को बैकग्राउंड में लॉक रखना पड़ेगा और रन कराना पड़ेगा, तो जी हाँ गाइस, आपको तीनों ऐप को बैकग्राउंड में लॉक रख के रन करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका जो जायरो है बहुत ही स्मूथली मक्खन की तरह चलेगा। और अगर आप सोच रहे क्या आपका गेम लैग करेगा या फिर आपका फोन हीट होगा, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, 0% लैग, 0% आपका हीट होगा यहाँ पे फोन आपका, क्योंकि ये ऐप में ज्यादा स्टोरेज नहीं खाता, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। बाकी हम आते सेटिंग्स में और यहाँ पे जायरो को ऑलवेज ऑन पे करते हैं, और गाइस यहाँ पे देखो बूम गाइस हमारा जायरो पूरा का पूरा फिक्स हो चुका है यहाँ पे भाई, ना डिले प्रॉब्लम आ रहा और ना हमारा जो जायरो है यहाँ पे ऑटोमेटिक टिल्ट हो रहा है दोस्तों, और पूरा का पूरा भाई मतलब अच्छा से वर्क कर रहा है। और ये मेरा डिवाइस Redmi Note 7 Pro देख लो गाइस। बाकी गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेंसिटिविटी, अगर आपको सेंसिटिविटी हाई नहीं हुआ तो भाई आपका जायरो में डिले देखने को मिलेगा, कन्फर्म है गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको जायरो की फुल वाली सेंसिटिविटी चाहिए तो आप लोग भाई DM जरूर करना मुझे, यहाँ पे कमेंट जरूर करना गाइस, ताकि मैं आपके लिए प्रॉपर एक सेंसी बना के लाऊं, जिससे आपका जायरो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई, पूरा पूरा मक्खन की तरह चलेगा यहाँ पे, ठीक है। और गाइस मान लो बाय चांस किसी बंदे की प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रही है या फिर किसी बंदे की प्रॉब्लम फिक्स हो गए फिर से, मतलब भाई खराब हो गया, तो आप लोग मुझे DM करना या फिर कमेंट में जरूर बताना कौन सा डिवाइस है आपका, ताकि मैं उसके रिलेटेड एक प्रॉपर वीडियो बना पाऊँ यहाँ पे। तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलो, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो मेरे चैनल पर मिलते रहे। बाकी मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.